आज चाय बनेगी चूल्हे में। प्रोग्राम ये था छत का। ताली वाली मटरी है, ये मूंगफली है, डेढ़ किलो मूंगफली लाए, डेढ़ किलो साथ चटनी फ्री मिली है, नमक फ्री मिले, ये आदत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए हम लोग, मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए और सब अंदर जाते और हम हो गए हैं चूल्हा जलाने में कामयाब। अभी हम चूल्हा जला रहे थे, कभी जलाया नहीं, मगर आज हमको बहुत शौक लगा चूल्हा जलाने का, तो हमने कोशिश करी और चूल्हा जल भी गया है। तो चूल्हे पे बन रही है चाय और नाश्ता। जो जो कोई आया है, सभी कोई अपने घर से एक एक नाश्ता बना के लाया है और सभी लोग इकट्ठे हो गए, आपको मंदिर ही खाते हैं और अभी कुछ लोग बाकी भी रह गए हैं। ये देखिए, ये सब आए हैं पुराने साल को 2021 को बाय बाय कहने के लिए और नए साल 2022 का वेलकम करने के लिए सभी लोग इकट्ठा। अभी नहीं, हैप्पी न्यू ईयर अभी टाइम है, न्यू ईयर में अभी पुराने साल को बाय बाय और नए साल का वेलकम। तो बस इसके लिए सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और सभी लोग बहुत सारा सामान लाए हैं खाने पीने का भी। तो अभी बस आपके साथ हम सब शेयर करेंगे नाश्ता पानी और न्यू ईयर के साथ में। नाश्ता इतनी कस के बंद किया गया है कि खुले ना, कोई देखे ना और कोई खाए ना। ये क्या है नाश्ते में? फ्राई इडली, एक भी फ्राई है। निकालो ये हरा वाला मटर, नया मटर मीठा वाला जो कि भून के लाया गया है नीचे भाभी की तरफ से। मूंगफली है और ये शादी वाली मटरी है, ये मसाले वाली मटरी है। किस तरह से बता रहा है, ये मसाले वाली मटरी, ये मटरी मूंगफली साथ चटनी फ्री मिली है और नमक फ्री मिले, ये आदत में बोला बाद में खाई जाएगी। बड़ी बात, छिलके छिलके जरूर मिलते हैं यार। बंद अरे लगाओ तुम, अरे मछली वाला है, नाश्ता वास्ता लगाना शुरू करो भाई। ये सब लोग चले गए अंदर और ये मेरी बड़ी बहन का सबसे बड़ा बेटा बेचारा चूल्हे में धुआं खा के बना रहा है चाय। ये चूल्हा जला है हमारे घर में पहली बार। चूल्हा है मेरे पास 2 साल से, पर हमको भी बहुत ज्यादा जलाना नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, मगर हमने कहा चाय बनेगी चूल्हे में। प्रोग्राम ये था छत का, मगर छत पे बहुत ठंडी हवा चल रही है इसलिए हमने अपनी लॉबी में ही जला लिया चूल्हा। बस थोड़ा सा इसीलिए जला रहे हैं कि यहाँ ज्यादा काला वाला ना हो जाए, इसलिए ये बन रही है चाय और चाय भी लगभग तैयार ही हो गई है। तो बस अभी सबको चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, न्यू ईयर का वेलकम होता है। Hello guys.
हेलो हैप्पी न्यू ईयर 2022 लग चुका है तो सब लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं। अब सब लगे हैं मूँगफली खाने में और हम चुपचाप सबके वीडियो ले रहे हैं। नाश्ता करने के बाद किसी का कोई ध्यान नहीं, सब अपना अपना काम, मूँगफली खाना छूटे पड़े हैं मूँगफली खाने में। ऐसा करो जो मैच कर पाए। जी देखिए सब मेहमान चले गए हैं, बज गया है करीब 1:45 और मेरे घर की हालत देखिए सबने क्या करी है। मेरे इतने साफ सुथरे घर की हालत, मेज पे तो बहुत कुछ था, हमने अभी हटा दिया है, पर झाड़ू लगा के घर तो अभी साफ नहीं करेंगे क्योंकि रात में झाड़ू लगाई नहीं जाती, इसलिए ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। और पूरे घर में मूंगफली का छिलका है, टॉफी का है, कूड़ा है सब, तो ये सब हम करेंगे सफाई सुबह। तो मिलते हैं अब सुबह। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी 2022 की पहली सुबह, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तो मॉर्निंग अभी हुई है, वैसे मेरे ख्याल से आफ्टरनून हो रहा होगा। सबको नाश्ता कराने के बाद हम नहा धो के पूजा करके अब हम आए नाश्ता करने। आज हमने नाश्ता कुछ घर पे नहीं बनाया है, हमने बाहर से मंगाया है दही, जलेबी और समोसा। तो बस सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो हम अपना नाश्ता लेके आए। रात में हमने, आपने देखा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने मनाया अपनी फैमिली वालों के साथ में, वो भी जो आसपास ही रहते हैं, उन्हीं को बहुत ज़्यादा दूर से कोई नहीं आया था, सब आसपास ही रहते हैं। फैमिली वालों के साथ ही हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया और थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके फिर रात में सब लोग चले गए थे, तो रात में एंड भी नहीं किया था, तो वीडियो का एंड भी करना था। तो बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान 2022 सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो। और जैसा कि सबका 2021 गया है, कुछ लोगों ने बहुत से अपनों को खोया भी है, उसका बहुत अफसोस भी है, तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भगवान 2022 सबके लिए बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। तो हमने सोचा सुबह का नाश्ता भी कर लिया जाए, न्यू ईयर की है पहली सुबह, आज नाश्ता कुछ नहीं बनाएंगे हम, तो हमने मंगाया बाजार से दही जलेबी और ये नाश्ता करने जा रहे हैं। और ये रखी है मेरी चाय। तो बस इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड भी, और सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी, सभी लोग सब्सक्राइब भी करिए। तो बस बाय, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।